हेलो एवरीवन, नमस्कार। आइए देखते हैं अपने अगले स्टॉक के बारे में। अपना अगला स्टॉक जो है एक मल्टीबैगर स्टॉक हो सकता है, बहुत अच्छा मुनाफा दे सकता है आपको। करंट प्राइस इसकी बात करते हैं, 1.33 रुपया इसका करंट प्राइस चल रहा है। मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप आपका 53 करोड़ का मार्केट कैप है, अच्छा सा है। जैसे प्राइस है वैसे मार्केट कैप बहुत अच्छा है, बट कंपनी देखा जाए प्रॉफिटेबल है और ये इसके ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है, तो इसलिए एनालिसिस करें, वीडियो को स्किप मत कीजिए। अभी मैं आपको बताता हूँ शेयर कौन सा है। तो चलते हैं नीचे नीचे। सबसे पहले देखते हैं कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री, बोले तो कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं, तकरीबन खत्म हो चुका है। ये देखा है कंपटीटर में, देखा है सनफार्मा है, सिप्ला है, डॉक्टर रेड्डी है, जाइडस है, मैनकाइंड है, लुपिन है, अच्छी अच्छी कंपनियां इसकी कंपटीटर में है। तो ये भी ग्रो कर सकती है शेयरों की तरह, ये भी अपना परफॉर्मेंस कर सकती है, बट क्वार्टरली रिजल्ट की बात नहीं करेंगे। जैसा कि हम बता, इसका विजन जो है लॉन्ग विजन है, तो लॉन्ग टर्म विजन के लिए हम एनालिसिस जो करेंगे वो एनुअल बेस पे करेंगे। एनुअल बेस पे करने से पहले ये देखिए, यहाँ पर कभी भी इसका प्रॉफिट जो है ये निगेटिव में नहीं गया, हमेशा अपना प्रॉफिट जो भी किया है प्लस में इसका प्रॉफिट रहा है, हर बार प्रॉफिट प्लस में रहा है। 2023 में देखा जाता 2.04 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था, अभी तक देखा तो 42 लाख का प्रॉफिट जनरेट कर चुका है। मार्च 2024 आते आते तकरीबन 1 करोड़ के करीब में प्रॉफिट हो जाएगा, तो अच्छा प्रॉफिट है। आइए देखते हैं बैलेंस शीट पे, बैलेंस शीट क्या कहता है। बैलेंस शीट पे चलने से पहले आपको दिखा दें, बैलेंस शीट में 2012 में इसका जो इक्विटी कैपिटल था 1.83 करोड़ के करीब में था, जो अभी हर साल ग्रो किया है, ग्रो करते साथ सितंबर 2023 में देखा जाए तो 39.86 करोड़ के करीब इक्विटी एंड कैपिटल हो गया। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो देखा जाए तो 1.49 करोड़ से बढ़ के हर साल ग्रो अपने रिजर्व एंड सरप्लस एड किया है, तो देखा जाए तो अभी करेंट में देखा है तो 22,72,000 के करीब में रिजर्व एंड सरप्लस है। ये हर कंपनी के लिए अच्छी बात होती है, रिजर्व एंड सरप्लस इक्विटी एंड कैपिटल अगर बढ़ रहा है तो। 12वीं में देखा तो 0 करोड़ का था, अभी यहाँ पे देखा है यहाँ पे भी 0 करोड़ का दिखा रहा है, तो इसके ऊपर कर्जा नहीं है। यही बात करें टोटल एसेट की, 3.71 करोड़ के करीब एसेट था 2012 में, जो हर साल ग्रो किया है, हर साल बढ़ते हुए आ रहा है। अभी तक देखा जाए तो इसका 76,16,000 करीब में अभी तक इसका टोटल एसेट हो चुका है। मार्च 2024 आते आते तकरीबन ये 84 लाख के करीब में ये इसका टोटल एसेट हो जाएगा, तो ये अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। सबसे अच्छी बात यही है कि इस कंपनी का हर साल ग्रो कर रहा है, एसेट ग्रो कर रहा है, मार्केट कैप ग्रो कर रहा है और टोटल एसेट ग्रो कर रहा है, रिजर्व एंड सरप्लस ग्रो कर रहा है। तो आइए शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखा जाए FII का परसेंटेज 2.17% है, पब्लिक की हिस्सेदारी 97.84% है। इसमें सबसे अच्छी बात है इसमें प्रमोटर की हिस्सेदारी अगर 97% रहती तो ये प्रमोटर कहीं भी इस शेयर को लेकर चले जाते हैं, बट इसमें पब्लिक की हिस्सेदारी ज्यादा है। जैसे प्रमोटर इंटर करेंगे इस शेयर की प्राइस कंटिन्यू ग्रो करेगी और इसकी बढ़ती जाएगी, तो आपको अच्छा खासा इसमें मुनाफा हो सकता है। तो चलते इस शेयर के बारे में बात करें, इस शेयर का नाम है, आपको दिखाता हूँ, इस शेयर का नाम है श्री गणेश बायोटेक इंडिया लिमिटेड, जो आपको 1.33 रुपए पे मिल रहा है। तो ये आपको 1 साल 2 साल के अंदर तकरीबन 10 गुना 20 गुना के करीब में आपको प्रॉफिट दे सकता है, तो अच्छा सा शेयर है, इसमें आप थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, धन्यवाद।